आगे क्या कर रहे हो? राजा ने कहा कि तपस्या कर रहा हूं, दिखाई नहीं देता। संत ने देखा कि बहुत चढ़ा हुआ है। इतना चढ़ा हुआ है क्यों है भाई? इतना चढ़ा हुआ क्यों है? तपस्या कर लो बढ़िया से। संत ने कहा कोई तपस्या नहीं कर रहा, ढोंग कर रहा है। ढोंगी? राजा ने कहा ढोंगी? अपना राजपाट छोड़ दिया, दास दासियां छोड़ दिया, रानियों को छोड़ दिया, इतना कुछ छोड़ के आया हूं मैं और तुम कहते हो ढोंगी हूं मैं? संत ने बोला बिल्कुल 100% एक नंबर का ढोंगी है, ढोंग कर रहा है, कोई तपस्या नहीं कर रहा। राजा को क्रोध आया, उसने कहा ऐसे कैसे कोई बोल सकता है मुझको, ढोंग कर रहा हूं, तुम्हें यह लगता है? सब कुछ तो छोड़ ही दिया, ये कपड़े हैं, कपड़े भी उतार देता हूं। कपड़े उतारे, नंगा हो गया, नग्न हो गया, बिल्कुल नंगा। अब तो कपड़े भी नहीं, अब बताओ क्या फिर ढोंग कर रहा हूं? दिखाई नहीं दे रहा, नंगा हो गया वो तुम्हारे सामने। संत ने कहा कि ढोंग कर रहा है, ढोंग कुछ भी नहीं है, सब ढोंग है, कुछ नहीं छोड़ा तुमने, सब ढोंग है। राजा को गुस्सा आया कि यह आदमी चाहता क्या है, राजपाट छोड़ गया मेरे इस सत्संग के चक्कर में, इतना कुछ छोड़ गया, दास दासियां सब छोड़ गया, सैनिक छोड़ के इतना कुछ था, कपड़े भी उतार दिए, तब से मुझे ढोंगी बोलता है? अब तो ये शरीर बाकी है, ये शरीर भी त्याग देता हूं, यही चाहते हो ना तुम? ठीक है, कूद जाता, कूदने लगा पहाड़ी से नीचे, और जैसे ही कूदने लगा संत ने हाथ पकड़ लिया, रुक जा। संत ने कहा कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, इसलिए राजन जाओ अपना राजपाट संभालो, कुछ त्यागने की जरूरत नहीं। अगर कुछ त्यागना है तो ये जो तुमने बोला ना कि मेरा राजपाट, मेरी रानियां, मेरे दास दासी, मेरे कपड़े, ये जो मैं है, ये जो मैं जोड़ रखा है, इसको छोड़ दो, बस इसको त्याग, बस इसका क्या कर दो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, घोर अंधेरा मिटिया जब दीपक दिखिया, माही घट के भीतर ज्योति जल जाए, मार्ग मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तो धीरे धीरे मैं खत्म, हरि आ जाएगी, हरि का वास होगा, और जब हरि का वास होगा तो मैं चला जाएगा, और जब तक मैं रहेगा कितनी भी कठोर तपस्या कर लो, हरि का वास आपके हृदय में होने वाला नहीं। कितनी भी कठोर तपस्या कर लो, कितना भी बड़ा त्याग कर लो, नहीं होने वाला। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने त्याग शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ में नहीं किया, विवेक चूड़ामणि उठाकर पढ़े नहीं किए। त्याग की जगह उन्होंने एक दूसरा शब्द का प्रयोग किया, तितिक्षा। तितिक्षा मतलब संयम का जीवन, अपने आप को भोगी मत बनाओ, थोड़ा कष्ट भी सहो जीवन में, थोड़ी तपस्या भी करो, लेकिन वो त्याग भी, वो जीवन जीने की कला, वो जीवन जीने की कला है, ना कि कोई त्याग है। इसलिए भक्ति तो प्राप्त करने का विषय है, और प्राप्त हो जाए प्रभु का दर्शन। आज शिव नेत्र खुला, उससे ज्वाला प्रकट हुई, कामदेव जलकर भस्म हो गया, मनुष्य अशांत है। क्यों अशांत है? अपनी कामनाओं के कारण, अपनी कामनाओं के कारण। जब नौकरी नहीं थी तो नौकरी के लिए दौड़ रहा था, नौकरी हो गई तो शादी के लिए दौड़ता है, शादी हो गई तो बच्चों के लिए दौड़ता है, बच्चे हो गए तो बच्चों के पढ़ाई के लिए दौड़ता है, फिर उनकी शादी के लिए दौड़ता है। ये तो एक साधारण व्यक्ति का जीवन है, लेकिन कुछ लोग विशेष होते हैं। ये तो साधारण व्यक्ति का जीवन है, लेकिन कुछ लोग विशेष होते हैं। एक शादी हुई तो नहीं दूसरी भी करेंगे, एक हुई तो दूसरी भी करेंगे, वो दूसरी के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। मन की चंचलता है, कल्प विकल्प अनेकों प्रकार की बातें मन के अंदर उठती रहती है, अनेकों प्रकार की बात, मनुष्य विचारों के जंजाल में फंसा रहता है, और हमारे भीतर जो वास्तविक सत्य है वो नजर नहीं आता। भावनाओं के वशीभूत कल्प विकल्प, ये कल्पनाएं वो कल्पनाएं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अंदर में जो सत्य है वो नेत्र मूंदो तो बस काम नजर आएगा, दुकान है, परिवार है, ये है, वो है, ये करना है, ये खड़ा करना है। आज सन्यासी लोग भी है देश में, देखे तो ये प्रोडक्ट निकालना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ऐसे बना देना है, वैसे बना देना है, नहीं तो नेता ही बन जाना है। लोग लगे हुए हैं करने में,
जो कर्म करने की प्रेरणा है ये राजसी कल्पना मात्र है और कुछ नहीं है। जहां ना विकल्प रहे, ना कल्प रहे, ना कर्म रहे, तो व्यक्ति सम की अवस्था को प्राप्त करता है, तब संन्यास प्रतीत होता है, मन शांत हो जाएगा, कुछ भी करने की इच्छा शेष बचे नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रकृति तो स्वचालित है, स्वचालित मतलब अपने आप चल रही, घूम रही, कितनी स्पीड से घूमती है आपको पता है? कितनी स्पीड से घूमती है? 1000 माइल पर आवर, समझे? 1000 माइल, इंटरनेट पर गूगल में सर्च कर लेना, बड़ा आसान है। द स्पीड ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन, अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, उसकी स्पीड क्या है? 1000 माइल पर आवर मतलब कोई ट्रेन चलती है, कोई हवाई जहाज उड़ता है इतना तेजी से? ना कोई हवाई जहाज होता है इतना तेजी से और ना कोई ट्रेन चलता है इतना तेजी से। सोचो, इतनी तेजी से लगभग निकल जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, लगभग इसके आसपास निकल जाएगा, 60 से 100 मीटर के बीच की दूरी 1 सेकंड में तय करती है पृथ्वी। पता चलता किसी को? किसी को पता नहीं चलता। इतनी तेजी से पृथ्वी भाग रही है, गूगल पर सर्च कीजिए, इतनी तेजी से भाग रही है। तो प्रकृति स्वचालित है, स्वचालित, इसलिए संत जो बन जाते हैं वो शांत हो जाते हैं कि हम इसका क्या कर लेंगे, अपने आप ही सब कुछ किए जा रहे हैं, अपने आप ही सब कुछ किए जा रही है। स्वाभाविक जो कर्म है लोक कल्याण का, जन कल्याण का, हम वो करेंगे। एक जीवन एक होता है, कई जीवन एक होता है, एक जीवन, संत एक जीवन जीते हैं, एक ही भाव से एक जीवन जीते। एक जीवन मतलब उनका जीवन बदलेगा नहीं, मृत्यु के बाद भी वही जीवन रहेगा। हम मर गए, शरीर बदल गया, जीवन बदल गया, लेकिन एक जीवन शाश्वत जीवन को वो जीते हैं। शाश्वत जीवन मतलब कि मर भी गए तो जो कर्म कर रहे थे वही कर्म करेंगे मरने के बाद, मरने के उपरांत भी वही कर्म करेंगे। ऐसे यद्यपि सारा जीव वही करता है, जो इस जन्म में कर रहा है मरने के बाद भी वही करेगा, आगे बढ़ाएगा उसी कार्य को, लेकिन कोई माया के वशीभूत नहीं। संत इस रहस्य को जानते हैं, समझते हैं, और उस रहस्य को जानने समझने के कारण वो उसी कर्म को करते हैं जो वो करते रहते हैं, उसी कर्म को करते हैं जो वो करते रहते हैं, उसी कर्म को आगे बढ़ाते हैं, मरने के बाद भी वही कार्य करते हैं। क्योंकि शरीर खत्म होगा, जीव खत्म नहीं होगा, जीव फिर भी कर्म करेगा, शरीर तो कर्म का माध्यम मात्र है। तो कामनाएं, विकल्प, विचार, बहुत कुछ, और इनके पीछे एक रहस्य है, इनके पीछे एक रहस्य है, और वो रहस्य है परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का रूप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरा रूप क्या है, मेरा रूप क्या है? और जो ज्योति श्याम अभी तक ज्योति तमसा प्रपुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्व विष्टकम्। अर्जुन में ज्योतियों का ज्योति, परम ज्योति, तमस से परे, अंधकार से परे, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा जाना जाता हूं, ज्ञान के द्वारा अनुभव पर अनुभव गम्य, ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम अनुभव गम्य हूं, हृदि सर्वस्व विष्टकम्, सबके हृदय में मेरा वास है। इस रूप में वास है ज्योति रूप, प्रकाश रूप। जब दिव्य दृष्टि मिलेगी